ये देखे गाइस, हमने बकरे को डिग्गी में और मजा देखे। बस 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 गाइस बैठ चुके हैं गाड़ी में। माशाल्लाह जी, ये कौन से दे रहे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास मजे हूँ। तो मैं यार गांव में आ चुका था, मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊं गांव में। आपको तो पता है जब भी मैं गांव में आता हूं व्लॉग में बनाता हूं। 11:20 हो रहे हैं, मैं अभी उठा हूं। मैं रोज़ा रख के 7 सोया था, तो अभी मैं उठा हूं। इधर बैठा हुआ था तो मेरे पास नौमान आया है, ये मेरा कज़न है। तो आज 29 रोज़ा है, लास्ट भी हो सकता है क्योंकि कुछ नहीं पता, शाम को पता चलेगा कि लास्ट रोज़ा है या 30 रोज़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे रोजे रखे। आपके भाई ने गांव में भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि व्लॉग बना लूं। देव दे हाला अलमन बढ़िया सही आ ए दे दिस गल है ना कैमरा दे कपला वठी है ना कैसे उठी है वहां मां के बुद्धा है सलवार कमीज हां सही सही देव शर्ट है शूज वठी है देव नन्ना वाच वती थी वाच हां हाँ तो ये देखिए नौमान लेके आया है, ये कपड़े हैं, ईद पे ये पहनोगे? अच्छा सही सही। तो ये ड्रेस है नौमान की, ये लेके आया है, और ये शूज। ओहो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सही है नौमान, सही है मेहरबानी, अब जाके रख के आओ। ये देखिए वॉच भी लेके आया है, कितना उठिए हैं माशाल्लाह, ये वाजी वाह माशाल्लाह जी, अच्छे अच्छे लेके आए हैं। मुझे कौन से दे रहे हो? वॉच शूज जो ड्रेस और क्या, बस यही होती है। आप लोगों को तो पता है आज ईद है, तो मैं 6:30 उठा था, अभी 7 रहे हैं, नहाने जा रहा हूँ क्योंकि नमाज है 8। ये मैंने कपड़े भी निकाल दिए हैं, जल्दी में तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैं भी तैयार हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं नमाज पे। लेकिन नमाज से पहले मैं आपको फुल लुक दिखाना चाहता हूँ, मेरा फुल लुक दिखाओ। ये देखो सही है ना, कैसे लग रहा है यार, मुझे ब्लैक शूज लेना चाहिए था यार। ये ना गाइस, तो अभी चलते हैं नमाज पे, ईद नमाज पर फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। ये भी माशाल्लाह तैयार हो चुका है इसका, और मेरा ये शूज है सेम है, हमने साथ में लिया था। ये मेरा एक भाई ये अभी तक नहीं तैयार हो रहा है यार, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, आ जाओ जल्दी आओ। तैयार चार हो चुके हैं, ये देखिए सामने गाड़ी भी निकल चुकी है, गाइस बैठ चुके हैं गाड़ी में, भाई भी बैठ चुका है, ये चाचू है, चाचू भी बैठेगा। चलो चलो चलते हाँ। तो गाइस विशिंग यू अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक आप सबको, मेरी तरफ से हैप्पी ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी भी ईद अच्छी जा रही होगी, भी नमाज पढ़ ली है, घर आया हूँ, सबसे ईद भी मिल ली है। द नेक्स्ट डे इट्स अ सेकंड डे ऑफ ईद, तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कहीं बाहर गया था, इस वजह से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। अभी उठा हूँ, देखते हैं, नाश्ता भी नहीं किया है, कुछ खाते हैं, बहुत बाजार भूख लगी है। पता नहीं भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो जाने? डिजाइन चेंज कर रहा हूँ। क्यों? लाइट आई है ना इसी वजह से। लाइट मतलब ये क्या चल रही थी? ये तो UPS था ना। अच्छा UPS मतलब चेंज करना पड़ता है, वैसे नहीं चलेगा क्या? नहीं वैसे तो चलता है बस ऐसे रिकवरी के लिए। अच्छा चलो सही है यार, किसी को बोलो मुझे पानी दे, बहुत प्यास लगी है, और नाश्ता तैयार है तो वो भी यार मंगवा के दो यार, कुछ चलाओ या कोई फिल्म शिल्म या कोई गाने शाने। बिस्मिल्लाह, चाय भी आ गई है, तो चाय पी लेते हैं। तुम्हारे लिए कस्टर्ड आया है, कस्टर्ड खा लो, देखो मुझे बताओ कि कैसा है कस्टर्ड, फिर मैं भी खाऊंगा। ठंडा तो है, चेक तो कर लो सही बना हुआ है कि नहीं, चाय में चाय पी लो, चाय के बाद में खाता हूँ, देखो चेक कर लो। हाँ कैसा है? हाँ अमेजिंग, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा लो भाई, जा रहा हूँ क्या देखो J.com जरा। ये तो आप लोगों को मैं अपना छोटा सा गार्डन दिखाऊं, छोटा सा गार्डन बना हुआ है, ये देखो, ये देखो। ये रहे वो रहे बहुत सारे लिए, ये देखो माशाल्लाह कच्चे, जब पक्के हो जाएंगे तो उतारेंगे इनसे। ये पानी चलाया हुआ है, गार्डन में पानी देंगे, और ये छोटे छोटे
पौधे लगे हुए है। फॉर्चुनर ये देखे गाइस, हमने बकरे को बिठाया डिग्गी में और मजा देखे क्या। तो डिग्गी में नहीं आया, बस इधर ही बिठा रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ कुछ बनवाने, इसको कटवाएंगे वहीं पे। अभी इसको निकालेंगे बाहर। इसको लेके जा रहे हैं, सीर देंगे इसको, जब तक इधर बैठ रहे हैं झूले पे। बस यार अभी बैठो, तुम बैठो, तुम्हें झूले दो, आ जाओ बैठो यार, ऐसे नहीं करो, इधर झूले छूले लगे हुए हैं, जब तक एंजॉय कर लें खेल लें, इसलिए अच्छा सा बनाया हुआ है। गाइस ये देखो अफसर को, अफसर जाने क्या कर रहे हो? बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी उम्मीद है कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने 3-4 दिन ईद के ब्लॉग बनाए हैं, मेहनत लगती है और एडिट करने में मेहनत लगती है यार। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।